हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम पन्ना बनाने की रेसिपी, जिसको कि मैंने बनाया है बहुत ही आसान तरीके से और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमें लू वगैरह से भी बचाता है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील भी कराता है। तो बहुत आसानी से बनने वाला ये ड्रिंक है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो आम पन्ना रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का कच्चा आम लिया। वेट में मेजर करें तो ये 250 ग्राम है। उसको पील करके इस तरीके से चॉप कर लिया पीसेस में। यहाँ पे मैं 250 ग्राम आम का 1 लीटर पन्ना बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे आम और ऐड कर देंगे 250 ml वाटर। साथ साथ ऐड कर देंगे इसमें 1 इंच की अदरक, जिसको कि इस तरीके से चॉप कर लिया है। अदरक यहाँ पे इसको काफ़ी हेल्दी बनाती है, तो पॉसिबल हो तो ज़रूर से इसको ऐड कीजिएगा। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें 1 बॉईल आने का वेट करेंगे। ये स्टेप काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको दूसरी तरीके से भी पका सकते हैं। आप एक प्रेशर कुकर लीजिए और उसमें आम ऐड कीजिए, 250 ml वाटर ऐड कीजिए, अदरक ऐड कीजिए और 1 सीटी आने का वेट कीजिए। 1 सीटी आने के बाद आप गैस की फ्लेम को लो करके उसको मुश्किल से 2 मिनट के लिए और कुक कर लीजिए और फिर प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने दीजिए। लेकिन उस प्रोसेस में ये होता है कि जो पल्प होता है वो काफ़ी मुश्किल से निकलता है, तो मैं ये वाला मेथड ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर 1 बॉईल आ गई है, तो अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसको ढक के 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे स्लो गैस पे आम को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोलकर चेक करेंगे कि हमारे जो आम है वो प्रॉपरली टेंडर हो गए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्टली हमारे आम यहाँ पे टेंडर हो गए हैं। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे जो हमने आम पकाए थे वो कम्प्लीटली ठंडे हो गए हैं, तो अब हमें इसे ग्राइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे एक मिक्सर ले लेंगे और उसके अंदर इस आम को ट्रांसफ़र कर देंगे पानी के साथ साथ। और अब हम यहाँ पे शक्कर ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे 150 ग्राम शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप शक्कर की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और इसके लिड को लगाएंगे और चलते हैं ब्लेंड करने के लिए। इसको ब्लेंड करने के बाद हम देख सकते हैं कि इस तरीके से पेस्ट हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। तो अब हम एक वेसल लेंगे जिसमें हम आम पन्ने को प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक भगोना और उसी के अंदर ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ मैं इस पेस्ट को। यहाँ पे मेरे जार में काफ़ी सारा पेस्ट लगा रह गया है, तो मैं इसी के अंदर ऐड कर दे रही हूँ 750 ml ठंडा ठंडा पानी। यहाँ पे मैं एकदम चिल्ड पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। तो अब हम उस वेसल को साइड में रखेंगे और एक जार लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप पुदीने की पत्तियां, जिसको कि हमने खूब अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसको डालने से बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील होता है, तो आप इसको ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ साथ यहीं पर ऐड कर दे रहे हैं 1 टेबल स्पून पानी और इसको मुश्किल से 5 सेकेंड के लिए हम चर्न करने के लिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरीके से चर्न कर लिया है। हमें इसे बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना, सिर्फ 5 सेकेंड के लिए इसको चर्न करना है। तो अब हम उसी वेसल में ऐड कर देंगे अपना चर्न करा हुआ पुदीना। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे आम पन्ने में। साथ साथ ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक। आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। 3/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इन सबको ऐड करने के बाद हम इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं वो आपस में खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। आम पन्ना जो होता है वो पीने में अच्छा लगता है तभी जब ये पतला होता है, तो आप इसको इसी कंसिस्टेंसी का बनाइएगा। और अब हम एक जग लेंगे और उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे आम पन्ना। तो अब हम आम पन्ने को सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने से पहले हम दोनों ग्लासेस के अंदर ऐड कर देते हैं आइस क्यूब्स, क्योंकि आम पन्ना तो ठंडा ही अच्छा लगता है। तो अब हम दोनों ग्लासेस में सर्व कर लेंगे आम पन्ना और आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन हमारा आम पन्ना बनके तैयार हो गया है। तो
तो ये लीजिए हमारा रिफ्रेशिंग सा आम पन्ना एकदम बन के तैयार हो गया है। और आप यकीन मानिए टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है, साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप इसको बच्चों से लेके बड़े तक सभी को दे सकते हैं, सब लोग इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। तो इस गर्मियों के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, आप ज़रूर से इसको पसंद करेंगे और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से इसको शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए जिसका आइकन सीधा आपकी स्क्रीन के नीचे है। साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।